इन दिनों की भारी बारिश ने पटना और सुशासन दोनों का पोल खोल करके रख दिया। एक तरफ जहां स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पटना इतना स्मार्ट हो गया कि पानी पानी हो गया। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि लोग अपने घरों में कैद हो गए। स्थिति भयावह होती जा रही है, पानी घटने का नाम नहीं ले रहा है और सरकार अभी तक राहत और बचाव कार्य में पूरी मुस्तैद नहीं दिख रही है। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने बचाव और राहत कार्य के साथ साथ लोगों को खाना और अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा अपनी पूरी टीम के साथ निकले और पटना के पश्चिमी छोर में बाढ़ से प्रभावित इलाकों नक्टा दियारा बिंद टोली सहित अन्य इलाकों में राहत सामग्री का वितरण किया। उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे। देखिए वीडियो में राहत सामग्री लेने के लिए लोग किस तरह से आपाधापी मचाए हुए हैं। लोग परेशान हैं, मुश्किलों में हैं और सब भले नीतीश सरकार कोई राहत और बचाव का कार्य इन तक नहीं पहुंचा पा रही हो, पर विपक्ष पूरी तरह से मुस्तैद है और अपने क्षमता के अनुसार राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। पूरे दिन आज राहत और बचाव कार्य अलग अलग दलों द्वारा चलाया गया। कांग्रेस ने पश्चिमी छोर पूरी तरह से संभाल कर रखा है, जहां लोगों तक खाना का पैकेट और अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाया जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।